नमस्कार दोस्तों, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एशियन पेंट में अपना कूपन जो है तो उसे आप कैसे रिडीम करेंगे, एंड रिडीम करने के बाद उसे आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो चलिए जान लेते हैं फ्रेंड। तो इसके लिए फ्रेंड आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। फ्रेंड आपको वो एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का नाम है मास्टर स्ट्रोक। तो यहाँ ये जो एप्लीकेशन है एशियन पेंट के थ्रू ही यहाँ पे क्रिएट किया गया है, तो इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल एंड ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मैं इसे डाउनलोड कर यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे इंटर वीफी एंड मोबाइल नंबर, यदि आपको यहाँ पे रिटर यहाँ पे आपका वीफी नंबर है तो यहाँ पे अपना वीफी नंबर डाल सकते हैं, यदि ये नहीं है तो आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। तो जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर से यहाँ पे मैं रजिस्टर होता हूँ, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया हूँ फ्रेंड। इंटर करने के बाद यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर फुल नेम, तो आपको यहाँ पे अपना फुल नेम यहाँ पे इंटर करना होगा फ्रेंड। यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपको अपना नेम यहाँ पे करेक्ट नेम आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा फ्रेंड। इंटर करने के बाद आपके मैसेज के थ्रू आपको OTP नंबर आएगा 6 डिजिट का, जैसे कि यहाँ पे पहले से आ चुका फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके अब OTP नंबर यहाँ पे फिल करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ फ्रेंड। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड यानी OTP कोड वही आपको यहाँ पे इंटर करना होगा फ्रेंड। इंटर करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे सिंपली टैप कर देना होगा फ्रेंड। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ टैप। तो यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे कुछ लोडिंग हो रहा, तो लोडिंग हो चुका फ्रेंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होगा फ्रेंड। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना कोई एक पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे पास क्रिएट पासवर्ड पे यहाँ पे एक पासवर्ड डाल के यहाँ पे री एंटर पासवर्ड कर देगा फ्रेंड, एंड यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टाइप कर देना होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड यहाँ पे क्रिएटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ी समय के लिए। तो जैसे कि मैं नेक्स्ट कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड। अब आपका यहाँ जो है वीपी नंबर यहाँ पे क्रिएट हो चुका फ्रेंड। अब यहाँ पे अपना वीपी नंबर डाल के भी यहाँ पे साइन इन हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं सिंपली करता हूँ टाइप। तो साइन इन वाले ऑप्शन पे मैं जैसे ही टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कुछ फर्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है इस एप्लीकेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसे आपको एग्री कर लेना हो फ्रेंड। तो आप यहाँ पे टाइप करके इसके जो टर्म्स कंडीशन है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम समर्पित सक्सेना यहाँ पे शो हो जाएगा फ्रेंड। मैंने यहाँ पे लॉग इन हो चुका फ्रेंड, यहाँ पे अपना आईडी जो है यहाँ पे क्रिएट कर चुका फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोशन एंड कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे शो हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रमोशन एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड टोकन, तो आपको यहाँ पे अपना पहले जो कोड लिए हैं फ्रेंड, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख चुके हैं कोड, वो कोड को आपको पहले स्कैन करना होगा फ्रेंड। यहाँ पे साइड में कॉर्नर पे यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली इस पर आपको टाइप करना होगा। तो जैसे ही इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको कार्ड स्कैन करना होगा फ्रेंड। यहाँ इतनी फास्ट स्कैन करता फ्रेंड कि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैंने उस कार्ड को स्कैन कर दिया फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे इस कार्ड आपको देखने को मिल जा रहा होगा, एक कार्ड मैंने यहाँ पे स्कैन कर लिया फ्रेंड। तो ये 10 रुपये का यहाँ पे मेरा जो है कार्ड था, इसे कार्ड करने स्कैन करने के बाद 10 रुपये मेरे वॉलेट में यहाँ पे ऐड हो चुका फ्रेंड। तो मैं दो कार्ड लिया हूँ, यहाँ पे टोकन का ऑप्शन है, जैसे इस पर टाइप करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट बैलेंस मेरा जो है वो 10 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो चुका है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे स्कैन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे दोबारा मैं करता हूँ, तो यहाँ पे फिर से अगेन मुझे यहाँ पे 10 रुपये फिर यहाँ से ऐड हो चुके हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ, तो यहाँ पे अभी माई स्कैनर जो है 10 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है। तो मेरा जो करंट बैलेंस है वो 20 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो चुका है फ्रेंड। तो चलिए अब यहाँ से जान लेते हैं कि इसे ट्रांसफ़र कैसे करेंगे और कहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैक आना होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे रिडीम ऑल ऑप्शन है फ्रेंड ना, आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना, टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट ऐड करना होगा फ्रेंड। तो ऊपर आपको यहाँ पे अकाउंट ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पे टाइप करना होगा। जैसे पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट अकाउंट है, तो यहाँ पे नीचे ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पे टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे अपना जो है इंटर अकाउंट नेम इंटर करना होगा फ्रेंड, एंड अपना पेटीएम नंबर। यहाँ से फ्रेंड आपको सिर्फ एक ही जगह से पेटीएम अपना यहाँ से पेटीएम नंबर से यहाँ पे पेटीएम में ही आप यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदर जगह पे नहीं कर सकते हैं। तो अपने बैंक अकाउंट में नहीं कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट में करने के लिए फ्रेंड पहले आपको यहाँ से पेटीएम में ट्रांसफ़र करना होगा, फिर आपको पेटीएम से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से जो पैसे होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पेटीएम नंबर इंटर कर दिया फ्रेंड। अब यहाँ पे अपना अकाउंट नेम यहाँ पे इंटर कर देता हूँ फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पे पेटीएम नंबर इंटर कर दिया फ्रेंड। अब यहाँ पे मैं अपना
अकाउंट नंबर यहाँ पे समर्पित यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे फिल कर दिया फ्रेंड। अब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको करना होगा टाइप। तो चलिए यहाँ पे मैं करता हूँ टाइप। तो टाइप करने के बाद यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन अकाउंट हैज़ बिन एडेड सक्सेसफुली। तो जो आपका है अकाउंट या मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे ऐड हो चुका फ्रेंड। यहाँ पे पेटीएम अकाउंट मेरा जो है यहाँ पे ऐड हो चुका फ्रेंड। अब यहाँ पे बैक वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको करना होगा टैप। तो टैप करने के बाद आपको फ्रेंड यहाँ पे अब यहाँ से बैक आने के बाद अब यहाँ पे आप रिडीम लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रिडीम वाले ऑप्शन पे मैं करता हूँ टैप। तो अभी यहाँ पे अपलोड अपडेट नहीं है, तो थोड़ा सा बैक करते हैं, फिर यहाँ पे उसी ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे टोकन वाले ऑप्शन पे अब यहाँ से रिडीम करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे अकाउंट में 20 रुपीज़ है। इसे रिडीम करने के लिए रिडीम वाले ऑप्शन पे हम करते हैं टाइप। जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे 100 100 200 500 यहाँ पे 1000 तक यहाँ पे आप जो है पैसे यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। तो मेरे वैलेट में जो है करंट बैलेंस जो 20 रुपीज़ है, तो मैं इसे पहले चलिए मैं विड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे आपको इंटर कर देना होगा आपको जितने रुपये यहाँ से ट्रांसफ़र करना होगा। ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे आपको चूज अकाउंट टाइप। तो यहाँ पे कैसा कहाँ से आप कहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उस पर आपको टैप कर देंगे फ्रेंड। आप जो भी यहाँ पे ऐड किए हैं तो उस पर टैप कर देंगे, तो यहाँ पे ब्लू कलर का हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, सिंपली जैसे इस पर आप टैप करेंगे तो आपका जो पैसा है यहाँ पे जो आपका वॉलेट में जितने भी रुपए हैं आपके पेटीएम वॉलेट में जस्ट ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने यहाँ पे वेट कर सकते हैं फ्रेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ट्रांसफ़र जो है सक्सेसफुली हो चुका है फ्रेंड। 20 रुपये मेरे पेटीएम वॉलेट में चले गए हैं फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो इसी प्रकार से फ्रेंड आप जो है इस कोड को स्कैन करके तो इसे रिडीम कर सकते हैं एंड अपने पेटीएम वॉलेट में जो है पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देख चुका फ्रेंड, तो अब मेरा जो करंट बैलेंस है वो 0 रुपये हो चुका है हमें, क्योंकि मैंने यहाँ से अभी रिडीम कर लिया फ्रेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे आईडी है सब यहाँ पे शो जा रहा है फ्रेंड, जो मैंने अभी यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है जो मैंने यहाँ पे रिडीम किया। तो इसी प्रकार से फ्रेंड आप जो है यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपके पेटीएम वॉलेट में यह 24 घंटे के अंदर ही आपके पेटीएम वॉलेट में यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड, शो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड आप जो है एशियन पेंट में अपना कूपन रिडीम कर सकते हैं एंड अपना जो बैलेंस है उसे पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पेटीएम से अपने बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे छोटे से वीडियो को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।